हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल भारी पेट्स पे। और आज हम जो बात करेंगे वो है इस पपी के बारे में। ये पपी जो है ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ब्रीड है और इसका नाम है पग। पग में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हम एक क्वालिटी पपी कैसे आइडेंटिफाई करें। ये फॉन कलर में आता है, फॉन और ब्लैक इसका यूजुअली फेस होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम क्वालिटी ब्रीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पग सीरीज़ की। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपको पपीज़ जो है ये कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर उस ब्रीड के बारे में, जैसे पग है तो पग के बारे में भी मैंने डिटेल आपको वीडियो दिया हुआ है। तो अभी ये जो पग है इसकी हम क्वालिटी कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो जो फेस है ये पूरी तरह से पंच फेस होना चाहिए। आप इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पर नोज़ आपको दिख रहा है पूरी तरह से अंदर है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फुल पंच फेस। तो चेहरा जो है पूरी तरह से अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसका जो हेड पे रिंकल्स देख रहे हैं, जितना ज़्यादा रिंकल्स होंगे उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। साइमल्टेनियसली पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे तो पीछे भी अच्छे से रिंकल्स आ रहे हैं सभी जगह पर, तो वो एक है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इसकी टेल। टेल को आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि टेल पूरी तरह से गोल कर्ल है। कई सारे लोग जो है वो स्ट्रेट टेल के जो रहते हैं ऐसे टाइप के, या थोड़ी सी बेंड वाली टेल जो है वैसे टाइप के पपीज लेते हैं। अगर वैसे टाइप के आप पपीज ले रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा टेल जो है ये पूरी तरह से गोल राउंड सर्कल में होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से यहाँ पर पूरी तरह से ये राउंड आ चुकी है, और ये आप कितना भी अगर सीधा कर लेते हैं तो भी फिर से वो एज इट इज ही वो अपनी पोजीशन जो है वो रिस्टोर करेगी, लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है। लेकिन ये कर्ल में ही हमेशा नेचुरली रहेगी। जब भी आप पपी लेंगे उस समय और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसके हेल्थ के बारे में। अभी ये जैसे है ये फीमेल पपी है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो नाक होती है, नाक के आसपास का जो एरिया होता है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। साथ में उसके जो कान है वो भी देखने हैं, क्योंकि इनके कान हमेशा फोल्ड ही रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि पपीज़ हम नया ख़रीदने जाते हैं और वहाँ पर बस उसका क्यूटनेस देख के आप परचेस करते हैं, लेकिन वैसे मत कीजिए। कभी भी उसकी जो नोज़ है वो देखिए, उसकी आँखों में से कहीं टीयर्स वगैरह नहीं आ रहे, वो आपको देखना ज़रूरी है। साथ में जो ये नाक के ऊपर के जो फोल्ड्स है वो अच्छे से ओपन करके देखिए इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो इन्फेक्शन का ही आता है जो यूजुअली नाक के ऊपर आएगा। तो आपको जब भी पपी परचेस करने के बाद में आपको क्या करना है, नाक के जो आसपास का जो एरिया है ये रेगुलरली आपको क्लीन करना है। या तो कॉटन से कर सकते हैं, या कई सारे लिक्विड्स आते हैं उससे भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप जितना भी हो सके उसे ड्राई वॉश दीजिए पहले फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ तक के, और उसके बाद में फिर आप चाहिए तो काफ़ी सारी आपको और भी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियोस में टाइम टू टाइम बताई हुई है, तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ऐसे पपीज़, क्वालिटी पपीज़ अगर आपको चाहिए, मार्केट में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके पास कोई कम कॉस्ट में वगैरह। देखिए कम कॉस्ट में पपीज़ मिलना बहुत आसान है, लेकिन क्वालिटी पपीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको एक अच्छे क्वालिटी के पपीज़ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर तो आपको डिस्प्ले हो ही रहा है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए, और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।